खंजूर सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर की मनमानी और जादू टोना जैसे चिकित्सा कराने का मामला सामने आया, जिसमें हड्डी के डॉक्टर द्वारा चिकित्सा करने आए महिला को बिना देखे ही दवाई दे दिया गया और उस महिला को पैर पर हुए जख्म को ठीक करने के लिए लोहे के छड़ को गर्म कर पैर पर हुए जख्म के जगह उपचार किए कहा, जिससे महिला ने आरोप लगाया कि डॉक्टर मुझे मेरी जख्म को बिना देखे ही ऐसे कैसे दवाई दे सकते हैं। महिला ने कहा कि मेरे बेटे द्वारा बार बार मेरी जख्म को देखकर दवाई देने के लिए कहा गया, फिर भी डॉक्टर बिना देखे ही दवाई लिख दिए। साथ ये भी आरोप लगाया गया कि डॉक्टर द्वारा चिकित्सा के दौरान डॉक्टर अपने फोन में लगे हुए थे। पखंजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। मम्मी को लेके गया हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, तो हड्डी डॉक्टर के पास लेके गया स्लिप कटा के, तो वो फोन में बात ही कर रहा था, तो मैं बोला कि सर थोड़ा आप चेक कर लीजिए, चेक करके दवाई देने से आपका ठीक था, तो बोलता नहीं ऐसे ही हो जाएगा, लोहा गर्म करके पैर में थोड़ा छेक देना इसमें हो जाएगा। ये देखे दूर से ही दवाई दे दी, दूर से दवाई दे दी। हम लोग वो कमरे के अंदर में थे, हम लोग बाहर में थे खिड़की के सामने, तो वहाँ से वैसे ही दे दिए, पता है ना कि सर थोड़ा देख के दवाई देने से ठीक था, बोलता नहीं ऐसे हो जाएगा, लोहा का छेक दे देना गर्म करके। कि यहाँ एक डॉक्टर द्वारा बिना देखे बिना चेक किए मरीज को बिना टच किए उन्होंने उनको दवाई लिखे और जादू टोना वाला जो लोहे से उनके वहाँ गर्म करके ट्रीटमेंट की बात कही गई, इसमें किस प्रकार की सत्यता है? ये आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है तो इसकी जांच करके जो भी उचित कार्रवाई होगी मैं करूँगा।